तो हेलो गैस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गैस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि जुलाई के मध्य में लॉन्च किया जाएगा, और ये 5 फ़ोन ने कुछ ज़्यादा ही हाइप बना रखा है। तो चलिए देखते हैं कौन से फ़ोन है जो कि जुलाई के मंथ में लॉन्च किया जाएगा। पर उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 1 अपकमिंग स्मार्टफोन लिस्ट में है iQOO 10 Pro। तो रूमर्स के हिसाब से iQOO के ये फ़ोन जुलाई को लॉन्च किया जाएगा, पर डेट रिवील नहीं किया गया है। बट कंपनी ने भी अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, पर ये कंफर्म हो गया है कि ये उन कुछ फ़ोन्स में से होगा जिसमें स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के प्रोसेसर दिया जाएगा, और आगे के रिपोर्ट से इस फ़ोन में 2K LTPO 2.0 स्क्रीन दिया जाएगा, और 50 MP की मेन कैमरा, और साथ ही इंडस्ट्री लीडिंग 200W की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी दिया जाएगा। तो गाइस, आगे नंबर 2 पे है Nothing Phone 1। ये 2022 के वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फ़ोन है जो कि 12 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। तो ब्रांड ने ऑलरेडी फ़ोन की रेयर पैनल रिवील कर दिया है, जिसमें यूनिक ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन और कस्टमाइजेशन LED लाइट्स देखने को मिला है, जो कि काफ़ी औसम फीचर्स होने वाला है। इस फोन में 120Hz के OLED डिस्प्ले दिया जाएगा, और साथ ही स्नैपड्रैगन की 778+ की चिपसेट और 4500mAh की बैटरी दिया जाएगा, जो कि 40W तक की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी। और बताया जा रहा है कि इस फोन की प्राइस लगभग 30,000 के अराउंड देखने को मिलेगा। तो गाइस, आगे नंबर 3 पे है ASUS की ROG Phone 6। तो गाइस, ASUS अपने ROG फोन को ग्लोबली लॉन्च 5 जुलाई को करने वाला है, बट इंडिया में ये फ़ोन कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा, और इंडिया में इस फ़ोन की टेस्टिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है। तो ये वर्ल्ड का पहला गेमिंग स्मार्टफोन होगा जिसमें स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 की पावरफुल चिपसेट दिया जाएगा, साथ ही 165Hz की AMOLED डिस्प्ले के साथ इम्प्रूव थर्मल सिस्टम भी दिया जाएगा। तो गाइस, आगे नंबर 4 पे है Xiaomi 12 Ultra। Xiaomi ने इस फ़ोन के बारे में लॉन्च डेट रिवील नहीं किया है, बट रूमर्स के हिसाब से ये फ़ोन जुलाई के मंथ में ही लॉन्च किया जाएगा, और डिवाइस में Snapdragon+ Gen 1 के प्रोसेसर दिया जाएगा, और इस फोन की मेन हाईलाइट फीचर इसकी कैमरा होने वाली है। तो इस फोन में हमें 2K 120Hz AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा, और 4500mAh या फिर इससे बड़ी बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि 120W तक की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी। तो गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वें नंबर के जो अपकमिंग स्मार्टफोन है वो है Realme GT 2 Master Explorer Edition। इस फ़ोन के भी ऑफिशियल डेट नहीं बताया गया है, पर रूमर्स के हिसाब से ये जुलाई के मंथ में ही देखने को मिलेगा। तो इस डिवाइस में भी स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 की चिपसेट दिया जाएगा, जो कि अप टू 12GB रैम के साथ आएगी, और 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा, और साथ ही 50 MP की ट्रिपल कैमरा सेटअप और 5000mAh की बैटरी दिया जाएगा, जो कि 150W तक की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी। तो बस गाइस, टॉप 5 अपकमिंग स्मार्टफोन की लिस्ट यही खत्म होती है। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कौन से फ़ोन के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करने ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।